नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा, जहां पर आप लोग जानते हैं कि इस वक्त सभी लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है लूथरा परिवार में। क्योंकि दोस्तों निधि के बर्ताव से सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं, क्योंकि निधि ने पूरे परिवार को इस तरीका से तोड़ा है, बहुत ही गंदी तरीका से। लेकिन बात की जाए आखिरकार इधर करण की, तो करण ने भी बोल दिया है कि मैं परिवार के किसी भी मैटर में दखलंदाजी नहीं कर सकता, मुझे परिवार के किसी भी चीज़ में दिलचस्पी है ही नहीं। क्योंकि दोस्तों जब से प्रीता गई है इनकी लाइफ से, तभी से ही इस समय करण बहुत ज़्यादा शौक नज़र आ रहा है। और करण ने बोल भी दिया है कि मुझे अब इस परिवार में किसी भी चीज़ में कोई दिलचस्पी लेने का कोई शौक भी नहीं है, जो हो रहा है उसे होने देने में ही भलाई है। बात की जाए प्रीता की, तो जल्दी ही प्रीता की मुलाकात होने जा रही है पूरे ही लूथरा परिवार से। क्योंकि सबसे पहले सौर्य से मुलाकात, उसके बाद में फिर करण और ऋषभ से, फिर राखी माँ और इधर जो कि करीना बुआ से होने वाली है। आप लोग जानते ही हैं कि किसी समय पर प्रीता इस घर की सबसे बड़ी मालकिन थी और प्रीता के इशारे पर सब चलता था, लेकिन प्रीता ने कभी भी इन लोगों को जो कि निराश नहीं होने दिया, हमेशा हर किसी को खुश रखा। लेकिन आज के समय में निधि का इस तरीका से देखने को मिल रहा है इस परिवार का, क्योंकि निधि ने इस परिवार की बैंड बजा के रख रखी है। क्योंकि निधि के हाथ में इस समय पूरी तरीका से पूरा चार्ज आ चुका है। और बात की जाए तो काफ़ी लोग जानते हैं इस चीज़ को कि प्रीता इस वो चीज़ के लिए वाकई में सबसे परफेक्ट वूमेन के तौर पर गिनी जाती थी। लेकिन दोस्तों जैसे ही अब आखिरकार करण का होगा आमना सामना प्रीता के साथ में, लेकिन प्रीता को पहली चीज़ में से कुछ भी ऐसा याद नहीं है और वो याद भी नहीं करना चाहती है, क्योंकि उसके पीछे कई रीज़न हैं। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक